मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माई क्लास। एंड टूडेज आवर टॉपिक नेम इज आर्टिकल। ओके, आज अपन जो अपना ग्रामर का आर्टिकल टॉपिक है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। इंग्लिश जो ग्रामर है उसमें जो थ्री वर्ड्स होते हैं, ए, एन और ट, इन थ्री वर्ड्स को आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। A, N, and the are called articles। ठीक है, ये थ्री वर्ड्स है, ए, एन और द, इन्हें आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। इन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आर्टिकल्स है उन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आपकी आती है इनडेफिनेट आर्टिकल, और सेकंड इसका टाइप आता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ये टू टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, इन थ्री वर्ड्स को। फर्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में इन टू आर्टिकल्स को रखा जाता है, ए एंड एन। ए और एन जो आर्टिकल है उन दोनों आर्टिकल्स को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि आपका जो थर्ड आर्टिकल है द इस देयर को डेफिनेट आर्टिकल में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब डेफिनेट आर्टिकल तो एक ही है देयर, पर बाकी के जो ए और एन आर्टिकल है उन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। अब इनका यूज करना हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ए और एन, इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इनका मीन पता होना चाहिए, इन दोनों वर्ड्स का मीन, ए और एन, इन दोनों का मीन क्या होता है, वन। वन में आपको सबको पता है क्या होता है, एक। कोई भी चीज है उसकी यदि नंबर वन है, उसकी संख्या यदि एक है तो उसे ए या एन भी कहा जाता है। मतलब इंग्लिश ग्रामर में बहुत सी जगह ए और एन का यूज किया जाता है, बहुत सारे नाउंस के पहले, बहुत सारी चीजों के पहले जो उसके नंबर को शो करती है। ए और एन है वो एक नंबर को शो करते हैं, यानी कि जिस भी नाउन के पहले ए या एन लगा हुआ है इसका मतलब उस नाउन की संख्या कितनी है, एक है। जैसे हम नॉर्मली देखें ए मैन, तो इस नाउन वर्ड के पहले ए आर्टिकल का यूज किया गया, इसका मीन क्या होगा, एक आदमी। ठीक है, यानी कि ए वर्ड है जैसे एन एलिफेंट, तो इस एलिफेंट नाउन वर्ड के ठीक पहले एन आर्टिकल लगाया गया है। तो जिस भी नाउन वर्ड के पहले ए या एन का यूज किया जाता है उसका मतलब है कि वो उस नाउन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नंबर में कितने हैं, और इन दोनों का मीन क्या होता है, एक होता है। यानी कि एम एन का मतलब एक आदमी और एन एलिफेंट का मतलब एक आदमी। तो इससे एक चीज तो अपने को क्लियर हो गई यहां कि ऐसे नाउन जिनकी संख्या क्या हो, वन हो, और वन जिसकी संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर। क्या कहते हैं, सिंगुलर। इसका मतलब कि जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं, जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके पहले ही ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। सेकंड चीज अपन देखते हैं कि क्या सभी नाउन्स के पहले ए और एन का यूज किया जा सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई हम किसी भी नाउन की संख्या पूछ रहे हैं, उसको पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक संख्या उसके पर दर्शा रहे हैं, तो एक अपन कब बोलेंगे, हम तभी एक बोल सकते हैं जब अपन उसको काउंट कर सकते हैं।
किसी भी चीज की संख्या अपन कब बताएंगे, एक है, पांच है, दस है, कितनी है, वो अपन कब बताएंगे, जब हम उन नाउन्स को काउंट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, तभी तो अपन कहेंगे कि उसकी संख्या इतनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, और जो क्या है सिंगुलर है, जिनका नंबर कितना है वन है, उन्हीं के साथ हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे कि जो ए और एन है उनका यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। अब अपन स्टडी करते हैं इन दोनों की अलग-अलग, कि ए का यूज तो कब किया जाएगा और एन का यूज कब किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ ए आर्टिकल, कि जो आपका ए आर्टिकल है उसका यूज कब किया जाता है। तो इसमें आप लिखोगे कि ए आर्टिकल है, इस ए आर्टिकल का नॉर्मली यूज विथ काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन, कि जब कोई नाउन काउंटेबल है और सिंगुलर है तो उसके साथ ए का यूज करेंगे, बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, कॉन्सोनेंट साउंड। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस जो क्लासेस थी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनमें आपने क्या स्टडी किया था, उसमें आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि जो वोवल्स होते हैं ए, ओ एंड यू, वहां हमने जाना कि इन लेटर से जो भी स्पेलिंग स्टार्ट होगी, जैसे मान लो कोई स्पेलिंग है एरोप्लेन, वो ए से स्टार्ट हुई, एलिफेंट ई से स्टार्ट हुई, इंकॉट आई से स्टार्ट हुई, ऑरेंज ओ से स्टार्ट हुई, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे पढ़ते थे कि जो भी स्पेलिंग है वो यदि वोवल से स्टार्ट होती है तो उसके पहले किसका यूज करना है, एन का यूज करना है, किसका यूज करना है एन का, और जो बाकी के रिमेनिंग लेटर्स हैं 21 उनसे भी स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है, सी से स्टार्ट हो रही है, डी से स्टार्ट हो रही है, वाई से स्टार्ट हो रही है। तो जो कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, उनके पहले हम किसका यूज करते थे, ए का यूज करते थे, लेकिन वो एकदम करेक्ट नहीं था। मैं ऐसा नहीं कहता गलत था, सही था, 90% तो चीजें सही है, लेकिन 10% मिस्टेक होती है। तो वो सुधारने के लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है ताकि हमारा 100% जो ए और एन और दे का यूज है वो ठीक हो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ए का यूज पहली कंडीशन, कि जो भी नाउन है वो क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, दूसरी चीज वो सिंगुलर होनी चाहिए, और तीसरी चीज कि जब भी अपन उसको पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना, कॉन्सोनेंट कौन सा, हिंदी वाला, क्या कर इक्का के गड़ा वाले जो अक्षर है, यदि वो कॉन्सोनेंट आ रहा है फर्स्ट लेटर, तो उस कंडीशन में हम उस नाउन के साथ हमेशा ए का यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्टार्ट तो किससे हो रहे हैं, वोवल से, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन करने के बाद में जो साउंड रिलीज होगा, तो फर्स्ट लेटर आएगा साउंड का वो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट, और उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि अपने लिखा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो रहा हो, तो भी हम किसका यूज करेंगे, ए का ही यूज करते हैं। तो लिखेंगे व्हेन वोवल लेटर, यू इज प्रोनाउंस, यू इज प्रोनाउंस
कि यदि यू से कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है और उसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में फर्स्ट लेटर क्या आता है, यू आता है। स्टार्ट वोवल से कोई, क्योंकि यू क्या है, वोवल है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। हिंदी में यह क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम वहां ए का यूज करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी। तो जो यूनिवर्सिटी वर्ड है आपका, उस यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी वर्ड में आप जब इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आप क्या कहोगे कि फर्स्ट जो लेटर आएगा प्रोनाउंसिएशन करने के बाद वो क्या आएगा, यू। और यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके पहले क्या यूज करेंगे, ए का यूज करते हैं। ऐसे ही आपके यूरोपियन यूनिट, अब यूरोपियन, यूरोप में रहने वाले जो पीपल होते हैं उन्हें यूरोपियन कहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले क्या कहते हैं, इंडियन, वैसे ही यूरोपियन, यूरोप में रहने वाले हो गए। तो यूरोपियन को जब आप स्पीक करोगे तो इसमें भी आप क्या स्पीक कर रहे हो, सबसे पहले यू, रोपियन, तो यू आया सबसे पहले, यू क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होगा तो ए का यूज करेंगे। ऐसे ही यूनिट, तो यूनिट जो कलेक्टिव नाउन है उसमें जब आप स्पीक करोगे तो आप क्या कहोगे, इसमें भी फर्स्ट स्टार्टिंग जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, यू का आ रहा है, तो यू क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ए का यूज है, उसमें अपने को तीन कंडीशन ध्यान रखनी है, पहली चीज काउंटेबल होनी चाहिए, दूसरी चीज वो सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब उसकी संख्या एक ही होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए, और तीसरा उसका जो साउंड रिलीज हो रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद उसमें फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन लागू हो रही है उस वर्ड के ऊपर तो उसके साथ आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल ए, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब भी वन और एन का मतलब भी वन। अब दोनों का यूज अपन किसके साथ करेंगे, काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, कि दोनों के साथ किसके बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि यदि वो किससे वोवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन करने में उसका स्टार्टिंग लेटर क्या आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, और वो काउंटेबल और सिंगुलर है, तो उसके साथ हम ए का यूज नहीं करेंगे। यदि कॉन्सोनेंट साउंड था तो किसका यूज किया, ए का। यदि वोवल साउंड आ रहा है तो किसका यूज करेंगे, ए, एन का यूज करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जब अपन स्पीक करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन करने के बाद में तो हिंदी में जो फर्स्ट लेटर आता है वो क्या आता है, वोवल आता है, तो उस कंडीशन में उसके साथ भी एन का यूज किया जाता है। जैसे इसमें आपके कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैं लिखता हूं एक वर्ड ये है एम, ठीक है। अब एम पी को जब आप स्पीक करते हो तो आप क्या लिखोगे, एम और नॉर्मली छोटी क्लास की बात करें तो वहां अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ क्या आएगा, ए, तो अपन यहां क्या करते हैं, ए लिख देते हैं। ये अपना क्या होता है, क्यों, क्योंकि सही रूल ये है कि आप उसका फर्स्ट लेटर देख करके ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसके साथ ए आएगा या एन आएगा। डिसाइड तभी करना है कि आप उस स्पेलिंग को पहले पढ़ो, उसको स्पीक करो, उसका प्रोनाउंसिएशन करो, और उसके बाद देखो कि हिंदी में जब आपने उसे प्रोनाउंसिएशन किया तो उसमें उसका फर्स्ट लेटर क्या आया। यदि वो हिंदी का वोवल है तो ए एन का यूज करना है, यदि वो हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो आपको ए का यूज करना है। अब जब एम पी अपन ने लिखा तो एम पी का जब प्रोनाउंसिएशन किया तो क्या आया फर्स्ट लेटर, ए। ए क्या है, हिंदी में वोवल है, तो इसके साथ क्या आएगा, एन, ए, एन का यूज किया जाएगा। ऐसे ही एमएल, अब एमएल वर्ड है, एमए वर्ड है, एमबीए वर्ड है, एमबीबीएस वर्ड है,
ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब अपन इनको पढ़ेंगे तो इनमें सब में एम स्पीक करेंगे सबसे पहले, और जब भी इनमें एम स्पीक करेंगे तो इनका फर्स्ट लेटर सब में क्या आएगा, ए आएगा, और ए क्या है ओवर, तो इन सबके साथ क्या आएगा ए एन का यूज किया जाएगा। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, एच लेटर से स्टार्ट होते हैं, एच क्या है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब अपन उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या देखेंगे कि उसमें एच से जो लेटर है जो कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट रहता है। जैसे ये आपका ऑनेस्ट जो वर्ड है, इसमें जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ना एच, उसका साउंड रिलीज नहीं होता, वो साइलेंट रहता है, और हम इसको क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर क्या है ओ, क्या है वोवल है, ओ क्या है वोवल, वोवल साउंड रिलीज होता क्या किया ऐसे ही आवर, इसको होवर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं ओवर। और यदि अपन इसको लिखेंगे तो इसमें फर्स्ट लेटर क्या आया ओ, इसके साथ में किसका यूज किया जाएगा ए एन का यूज किया जाता है। तो ये बेसिक जो चीज है, इसमें अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी नाउन वर्ड के ठीक पहले ए या एन का यूज कर रहे हैं तो उस ए और एन जहां लिखेंगे उसके ठीक आगे वाला जो नाउन वर्ड है उसको आपको प्रोनाउंसिएशन करके देखना है, उसको पढ़ के देखना है, बिना पढ़े बिना ये आइडेंटिफाई किए कि प्रोनाउंसिएशन करने के बाद उसका फर्स्ट लेटर वोवल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसके साथ ए आएगा या एन, क्योंकि हमें वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड उनको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में हम ए और एन को फिर करते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं जो सेंटेंस के रूप में होंगे, जिनमें अपन किस प्रकार से इनको फिट करते हैं उसका थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है ही वॉज वॉइस टीचर, ही वॉज वॉइस टीचर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन, नाउ क्रिकेट हैज बिकम इंटरनेशनल गेम, नाउ क्रिकेट हैज बिकम इंटरनेशनल गेम। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस अपने को इसे मान लो दिया गया, और इसमें आपको आ गया कि आपको ए और एन की देख की बात नहीं करें, देख की बात अपनी जो टुमारो की क्लास होगी उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे, आज हम केवल ए और एन की बात कर रहे हैं कि इन दोनों ब्लैंक्स में आपको ए या एन फिल करना है, या आपको डिसाइड करना है कौन से ब्लैंक में ए आएगा कौन से में एन आएगा। तो इसमें इस ब्लैंक के ठीक पहले जो वर्ड दिए हुए हैं उन पर अपने को ध्यान नहीं देना है, उनका अपने को प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन कौन से करते हैं ब्लैंक के ठीक बाद में जो वर्ड दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें ब्लैंक के ठीक बाद में जो वर्ड दिया हुआ क्या है वाइज, हमें इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है, तो हमने इसका प्रोनाउंसिएशन किया क्या है वाइज। जब हमने इसको पढ़ा तो हमने पाया कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है वह, फर्स्ट लेटर क्या है वह, और वह क्या है हिंदी वर्णमाला में वह क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन होता है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होगा तो हम किसका यूज करेंगे ए का, तो यहां क्या लिखेंगे क्यों आया ये, क्योंकि इसके ठीक बाद में जो वर्ड दिया हुआ है उसका जब हमने प्रोनाउंसिएशन किया तो उसका फर्स्ट लेटर हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके साथ ए का यूज किया। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, इस ब्लैंक के ठीक बाद जो वर्ड दिया हुआ है उसको अपन स्पीक करके देखेंगे, तो स्पीक करेंगे क्या पढ़ेंगे इसको इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जो वर्ड है इसमें हमने पाया कि इसका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जो हमने पाया कि फर्स्ट लेटर है वो क्या आया ई, और ई एन की वर्णमाला क्या होता है ए आ ई, ई क्या होता है स्वर होता है वोवल होता है, तो यदि वोवल साउंड रिलीज हो रहा है फर्स्ट लेटर
किसका यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे ए एंड का, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, he is honest man of our city, he is honest man of our city, ठीक है। इसमें भी आपको कौन सा वर्ड देखना है? ब्लैंक के ठीक बाद वाला, इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है कि फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट आता है ओवर आता है, आप इसको क्या लिखोगे? अभी बताया मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट लेटर क्या होता है? साइलेंट लेटर है, इसमें एच क्या रहेगा? साइलेंट। आप इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? इसको ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। वो क्या है? वोवल। तो वोवल के साथ क्या करेंगे? ए एन का यूज करते हैं। इस प्रकार से अपने को ए और एन का यूज करना है कि जो भी ब्लैंक के ठीक बाद में जो भी वर्ड हमें गिवन है उसका हमें प्रोनाउंसिएशन करना है। प्रोनाउंसिएशन करने के बाद हमें यह देखना है कि उसका जो फर्स्ट लेटर स्पीक हुआ है वो हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग स्वर है या व्यंजन है। यदि हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन में तो एन का यूज करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो किसका यूज करेंगे? ए का यूज करते हैं। फिर कुछ कंडीशंस दी हुई है कि हम आर्टिकल ए और एन का यूज कब करते हैं। तो उसमें हमने वो फर्स्ट चीज ये दी थी कि जब भी हम किसी पैराग्राफ की बात करते हैं, जैसे मान लो आप काउ पर पैराग्राफ लिख रहे हो या डॉग पर पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उसमें आप उस काउ या डॉग के बारे में बहुत सारी बात करोगे, बार बार उसका नाम आएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी पैराग्राफ में किसी नाउन के बारे में लिखते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू नंबर वन मान के चलते हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर उसके बारे में कोई बात लिखी जाएगी ना, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। सेकंड टाइम जब हम उसकी बात करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा। जैसे ठीक है, ये टू सेंटेंसेस अपने को दिए गए हैं। तो यहां पर जब मैंने यहां से सेंटेंस स्टार्ट किया, यहां क्लोज किया इसको, तो उसमें हमने क्या पाया कि यहां जो दो ही वर्ड है वो फर्स्ट टाइम आया है, उससे पहले हमने इसकी बात नहीं की क्योंकि स्टार्ट ही यहीं से किया है। तो फर्स्ट टाइम जो नाउन वर्ड आता है और वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? ए या एन का। लोएन बोलेंगे तो लोएन अपने से लिखते हैं, तो फर्स्ट लेटर क्या है? ले, कॉन्सोनेंट है, तो यहां किसका यूज किया? ए का। फिर उसी लोएन की बात हमने दोबारा की उसके आगे वाले सेंटेंस में, तो जब अपन उस नाउन की दोबारा बात करेंगे या अगली बार जब जितनी भी बार बात करेंगे उसके पहले अब ए या एन नहीं आएगा, क्या आएगा? क्योंकि वही सेल्स हो रहा है जिसको वो जंगल में रह रहा था, जो जंगल में रह रहा था जिसको मैंने देखा वही सेल्स हो रहा था, तो अब वो कॉमन हो गया। अब अपन जितनी भी बार बात करेंगे उसी सेल की बात करेंगे। अब यहाँ देखो ट्री, ट्री पहले सेंटेंस में कहीं ट्री नहीं है लेकिन सेकेंड सेंटेंस में इस ट्री का नाम लिया गया, फर्स्ट टाइम लिया गया, तो इसके पहले क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ट्री में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई स्टोरी या कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें किसी नाउन वर्ड है उसका सिंगुलर है, काउंटेबल है, फर्स्ट टाइम उसकी बात करते हैं तो उसके पहले ए या एन का यूज करते हैं, और यदि उसके बाद में हम दोबारा उसी पैराग्राफ या स्टोरी में बार बार उसकी बात करते हैं तो बार बार उसके साथ ए या एन का यूज नहीं किया जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब भी उसका नाम आएगा उसके साथ दे का यूज किया जाता है। सेकेंड कंडीशन आपने को दे रखी है कि जो भी सरनेम होता है आपका, ठीक है ना, जो भी अपन सरनेम लिखते हैं इससे हम इसे मिला करके मिस या मिसेज लगा करके, और यहां जो भी अपन सरनेम लिखते हैं
या मिस्टर और सरनेम का मतलब कास्ट, इसे लिखते हैं मिस चौधरी, मिस्टर कौशिक। तो इस प्रकार से हम जब भी मिस या मिस्टर लगाना है उसके आगे सरनेम राइट करते हैं तो उनके साथ भी आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है, ए या एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा जब मिस या मिसेज लगा के आगे सरनेम राइट किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके काउंटेबल नाउंस है जो कि एक प्रोफेशन को शो करती है, ऐसी काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर है और जो किसी प्रोफेशन को शो करती है, जैसे मैं कहता हूं कि आई एम ब्लैंक टीचर, तो टीचर क्या है, प्रोफेशन है, काम है किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला, तो जो भी प्रोफेशन होते हैं उनके ठीक पहले भी आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। टीचर टीचर अपन इसी प्रकार से इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो फर्स्ट लेटर क्या है, टै, टै क्या है, व्यंजन, अपन क्या लिखेंगे, ए, ऐसे मैं लिखता हूं मोहन इज इंजीनियर, तो इंजीनियर है वो भी एक प्रोफेशन है और इसको अपन ये लिखेंगे। तो इंजीनियर में फर्स्ट जो प्रोनाउंस करने वाला जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, क्या है वोवल, इसलिए वोवल साउंड यदि रिलीज हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, ए एन का, तो हमने यहां ए एन का यूज किया। ठीक है, तो आज अपन ने जो आर्टिकल्स थे उसके जो टू पार्ट्स किए थे, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल, उसमें इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स थे ए और एन उनके बारे में स्टडी किया कि ए और एन का यूज कैसे किया जाता है। एन का मतलब होता है वन, यानी कि इनका यूज केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउंस के साथ किया जाता है। फिर हमने जाना कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो यदि उसका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद फर्स्ट लेटर यदि वोवल आ रहा है, हिंदी के वोवल लेटर आ रहे हैं तो ए एन का यूज करते हैं, और यदि हिंदी वाले कॉन्सोनेंट लेटर आ रहे हैं तो हम उनके साथ ए का यूज करते हैं। दे का यूज अपन जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका अपनी जो टुमारो जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सी यू।